तो पोस्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर बैठे हैं तो आपका पोस्चर ये होना चाहिए, जैसे मैंने बताया सोल्जर्स कैसे खड़े रहते हैं या बैठते हैं, वैसे आपका जो नॉर्मली हम ऐसे बैठते हैं वो गलत है। हमको क्या करना है, सीधा होना है और शोल्डर्स शोल्डर लेवल पीछे होने चाहिए। हाँ, तो आपका चेस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए और शोल्डर लेवल पीछे जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्कैप्शन पोजिशन। हमने उसको एक टर्मिनोलॉजी दिया है, स्कैप्शन पोजिशन। तो ये पोजिशन स्कैप्शन हो गया। एक जरूरी और एक चीज है, आपका नेक रिलैक्स होना चाहिए, नेक पे कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप ये अगर श्रग कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता है, उससे पेन पड़ने का चांस है। तो नेक रिलैक्स रखिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। और आपके शोल्डर्स बिहाइंड योर चेस्ट, अगर आपका डेस्क यहाँ पे है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। आपका आई साइट, आई का लेवल और आपका जो स्क्रीन है वो आपको एक लेवल पे लाना है। यू कैन टेक अ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ आप बैठ सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लो बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए बताते हैं कि एवरी 30-40 मिनट्स आपको आपका पोस्चर चेंज करना है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये एज अ एक्सरसाइज करना ठीक है इनिशियली, बट ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो आपको कुछ तो रिमाइंडर लगाना है ऑलवेज, और ये आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ्स ये आपका नॉर्मल पोस्चर ऐसा ही होना चाहिए। दैट शुड बी योर हैबिट, दैट शुड नॉट बी एज अ एक्सरसाइज। ओके यस। okay.